रूस के व्लादिवोस्तोक में कुराज प्रतियोगिता में दमखम दिखाकर कांस्य पदक जीतने वाली संभल की बेटी पलक मलिक कांस्य पदक जीतने के बाद आज संभल पहुंची। लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ी का स्वागत किया। संभल के हजरनगर गढ़ी इलाके की निवासी पलक मलिक ने रूस के व्लादिवोस्तोक में कुराज प्रतियोगिता में दमखम दिखाकर कांस्य पदक हासिल किया। संभल की पलक मलिक 9 भारतीय खिलाड़ियों की टीम में यूपी की तरफ से प्रतिभाग करने वाली अकेली बेटी हैं। कांस्य पदक जीतने के बाद पलक मलिक आज भारत लौटने पर अपने गृह क्षेत्र संभल पहुंची तो पलक मलिक के कोच भोले त्यागी सहित संभल के लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर पलक मलिक के साथ रैली निकालते हुए जश्न मनाया। जिसके बाद मलिक संभल में सबसे पहले चौधरी चरण सिंह पार्क पर पहुंची, जहां चौधरी चरण सिंह और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद खिलाड़ी पलक मलिक संभल के सिद्धिपीठ श्री चामुंडा देवी मंदिर पर पहुंची और वहां मां दुर्गा के दर्शन किए। इस क्रम में पलक का कहना है कि जिस तरह से उसने कुराश प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है, इसी तरह से देश की दूसरी लड़कियों को भी सामने आकर स्वावलंबी बनना चाहिए और इसी तरह जीत हासिल करके देश का नाम रोशन करना चाहिए। मैं कुराश में जीता है जी। मैं अपने देश के सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी कि वह भी जागरूक बने और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने आप को स्वावलंबी और अपने आप को साकार बनाएं और देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। आप संभल पहुंची हैं आज पहली बार पदक जीतने के बाद में, आपका कुछ वर्षों से स्वागत किया है, माल्यार्पण किया है, क्या कहना चाहेंगी संभल के लोगों के लिए? काफी अच्छा लग रहा है कि मेरे जिले के लोगों में भी जागरूकता है खिलाड़ियों के प्रति, कि खिलाड़ी के प्रति वह भी मतलब ये नहीं है कि खिलाड़ी को नकारात्मक से सोचा जाए, सबके मतलब सबके लिए बहुत उत्सुकता की बात है कि वह देश के खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं। पलक मलिक ने संभल के खिलाड़ियों के लिए सरकार से सुविधा देने की मांग की है। साथ ही पलक मलिक के कोच भोले त्यागी ने कांस्य पदक जीतने पर खुशी जाहिर की है। आज मैं पहली बार संभल में रहते हुए ये महसूस कर रहा हूँ कि किसी खिलाड़ी का ये पहला मेडल नहीं है। संभल की धरती पर हमारे बच्चे गोल्ड और सिल्वर इससे पहले भी ला चुके हैं, लेकिन आज तक इतना बड़ा सम्मान कभी नहीं मिला। और यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं, मैं नेतागणों पे आज भी अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज तक यहाँ का कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो किसी खिलाड़ी का सम्मान कर सके, वो किसी भी पार्टी का हो चाहे। रास्ता यहाँ शून्य की बराबर है। मैं अपने बल पर आज तक जितना करके लाया हूँ, मुझे ना प्रशासनिक ना नेताओं से या ना यहाँ के कोई सामाजिक संगठन आज तक मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है। यदि मुझे सहयोग मिला होता, मेरी संस्था को आगे बढ़ाया जाया होता, तो आज ये कांस्य नहीं होता, ये गोल्ड होता। आपकी संस्था का नाम क्या है? त्यागी स्पोर्ट्स स्कूल एवं कन्या गुरुकुल। लेकिन वहीं संभल के राजनेताओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई है। उनका कहना है कि आज पलक मलिक ने भले ही कांस्य पदक जीता है, लेकिन इससे पहले भी कई खिलाड़ी सिल्वर और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन आज तक संभल के किसी नेता ने कोई सम्मान नहीं दिया है। चुनाव में तमाम तरह का पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन कभी खिलाड़ियों का सम्मान करना यहाँ के नेताओं में नहीं सीखा है।